दोस्तों हम ईसा खैल टूल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं। ये ईसा खैल इंटरचेंज है। दोस्तों हम ईसा खैल टूल प्लाजा पर पहुंच चुके हैं। ये ईसा खैल इंटरचेंज है। तो हम कोटबेलिया से चले थे, ईसा खैल तक पहुँचे हैं। लेफ्ट साइड पर ईसा खैल है और राइट साइड पर है लक्की मरवत। वो आप पुल देख रहे हैं, उस पुल से नीचे जो ट्रैफिक जा रही है वो लक्की मरवत रोड पे जा रही है। और आप मेरी लेफ्ट साइड पर अगर सी पैक ये ईसा खैल इंटरचेंज से उतरेंगे और अगर उतर कर आप इस तरफ आएंगे तो आपको इस तरह मेरे राइट साइड पर पड़ेगा। ये राइट साइड पर अगर आप इस तरफ जाएंगे तो 3 किलोमीटर आगे ईसा खैल बाज़ार शुरू हो जाएगा। मतलब बात का ये है कि अगर आप ईसा खैल से इंटरचेंज पर एंड होना चाहते हैं तो आपको बाज़ार से 3 किलोमीटर आगे इंटरचेंज पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि टूल प्लाजा तो थोड़ा बहुत इसकी वर्किंग जारी है, मुकम्मल तौर पर बना नहीं है, लेकिन रोड मुकम्मल है, रोड बिल्कुल क्लियर है। आप देख सकते हैं गाड़ियां आ जा रही हैं, कोई इशू नहीं है, सारा रोड ओके है। हम अभी भी आए हैं, अभी हम कोटबेलिया से ईसा खैल तक आए हैं, मोटरसाइकिल पर आए हैं और माशाल्लाह रोड चालू है, कोई मसला नहीं है। तो फिर बताता चलूं कि अगर आप हाईवे से आ रहे हैं, ईसा खैल त्राग कमर मशानी से आ रहे हैं और आपने सी पैक पर इंटर होना है तो ईसा खैल बाज़ार से 3 किलोमीटर आगे इंटरचेंज है आप। और अगर लक्की मरवा से आ रहे हैं तो लक्की के आगे तकरीबन 30 किलोमीटर आगे ईसा खैल सिटी से 3 किलोमीटर पीछे आपको इंटरचेंज पड़ेगी ईसा खैल टूल प्लाजा। आप उधर से सी पैक पर एंड हो सकते हैं और गाड़ियां आ जा रही हैं, कोई मसला नहीं है, रोड मुकम्मल तौर पर ओपन है। आप समझ लें कि फतेह जंग से आप ईसा खैल तक तो क्लियर हैं। हम खुद आए हैं, हमारे कैमरामैन हाशिर भाई जो हैं वो सामान लेकर आए थे, वो मुकम्मल तौर पर चल रहा है रोड, कोई इशू नहीं है। ये अभी हमसे गाड़ी वाले पूछ रहे थे कि रोड ओपन है या नहीं है, तो हमने उनको इशारा किया है कि आप जा सकते हैं, आप देख रहे हैं। तो माशाल्लाह ये हमारे कैमरामैन भाई जो हैं हाशिर भाई, ये फतेह जंग से आए हैं कोटबेलिया तक और आज हम आपको कोटबेलिया से ईसा खैल तक ले आए हैं और आगे इंशाल्लाह कुंडल पर भी जाएँगे, आपको मुकम्मल अपडेट देंगे। तो हमारे साथ रहिए, शुक्रिया, थैंक्स।